नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, लगातार 10 दिनों से हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इकाइनोडर्मेटा फाइलम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम वीडियो में वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी एग्जाम में या तो पहले पूछे गए हैं या फिर दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, सेशन में आपको बहुत मजे आने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, साथ ही साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिविजन करवाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन यहाँ के यहाँ याद हो जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऐसे संघ के प्राणी जिनकी त्वचा पर कांटे के समान संरचना दिखाई दे, वह संघ है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हेमिकोर्डेटा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मोलस्का, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अर्थ्रोपोडा। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, इस संघ के प्राणियों की पहचान क्या है कि दोस्तों उनकी जो त्वचा होती है, उस त्वचा पर दोस्तों कांटे के समान संरचना होती है, कांटे के समान संरचना होती है। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने ये कहा कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो प्राणी हैं, उनकी त्वचा पर दोस्तों कांटे के समान संरचना होती है। इस संघ की दोस्तों ये पहचान है। अगर कोई आपसे पूछे कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम की कोई पहचान बताओ, तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि भैया उस संघ के जो प्राणी हैं, उनकी त्वचा पर कांटे के समान संरचना दिखाई देती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों मैं हेमिकोर्डेटा की बात करूं, तो दोस्तों इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि हेमिकोर्डेटा फाइलम जो होता है, जो संघ होता है, भैया इनकी पहचान क्या है, तो दोस्तों इस संघ के प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये इनकी पहचान है। अगर दोस्तों मैं आपसे मोलस्का फाइलम की बात करूं, तो दोस्तों इनके जो प्राणी होते हैं, वो प्राणी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। जैसे ही आप उनको टच करोगे, बिल्कुल आपको सॉफ्ट लगेगा। कहने का मतलब, इस संघ के जो प्राणी होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये सब दोस्तों मोलस्का संघ के प्राणी हैं। और दोस्तों इनका शरीर जो होता है, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये मोलस्का वाली बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करें कि अर्थ्रोपोडा की, तो दोस्तों इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनकी पहचान क्या है दोस्तों, तो उनकी जो टांग होती है, उनके जो पैर होते हैं, उनमें दोस्तों बीच में क्या होता है, जॉइंट होता है। क्या होता है दोस्तों? जॉइंट होता है। ये दोस्तों अर्थ्रोपोडा फाइलम की पहचान है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे संघ के प्राणी जिनकी त्वचा पर कांटे के समान संरचना दिखाई दे, वह संघ कौन सा है? तो दोस्तों वह संघ कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा संघ है, या फिर मैं कह सकता हूं इकाइनोडर्मेटा फाइलम। दोस्तों इनकी जो त्वचा होती है, उनकी त्वचा पर कांटे के समान दोस्तों संरचना दिखाई देती है। बात क्लियर है? हेमिकोर्डेटा फाइलम की बात करूं, तो इस संघ के प्राणियों में दोस्तों रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बात क्लियर है? मोलस्का संघ के जो प्राणी है दोस्तों, जैसे कि ऑक्टोपस, सीप हो गया, इनका जो शरीर होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। बात क्लियर है? अर्थ्रोपोडा की बात करो दोस्तों, तो अर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं, उनकी जो टांग होती है, उनका जो पैर होता है, उसमें जॉइंट होता है। बात क्लियर है?
अर्थ्रोपोडा दोस्तों एनिमल किंगडम का यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये बात दोस्तों लोको पायलट में पूछी गई थी। इसके अलावा दोस्तों मोलस्क का फाइलम की बात करूं, मैं मोलस्क का संघ की बात करूं तो दोस्तों ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। दोस्तों मैं आपको बता दूं एनिमल किंगडम से अधिकांश दोस्तों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको चैप्टर याद हो या ना हो फिर भी दोस्तों आपको एग्जाम्पल तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत सारे एग्जामों का दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने अधिकांश देखा है कि एग्जाम्पल ही दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश, ऑप्शन नंबर बी सी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर सी है सी लिली, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इन तीनों में से आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो प्राणी है वो दोस्तों स्टारफिश है, सी कुकुम्बर का मतलब होता है दोस्तों समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, बात क्लियर है। ये है दोस्तों सी लिली, बात क्लियर है, अलग अलग भी लिख सकते हैं सी लिली। दोस्तों स्टारफिश, समुद्री खीरा और सी लिली दोस्तों ये किसके एग्जाम्पल है, तो भैया ये एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको वो एग्जाम्पल बताता हूं जो आपसे बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एनिलिडा, एनिलिडा। दोस्तों एनिलिडा जो फाइलम है उस संघ के प्राणी है दोस्तों दो, एक तो है जोंक और एक है दोस्तों कैंचुआ, जोंक और कैंचुआ, ये दोस्तों आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ना जाने आपसे एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है एनिलिडा जो फाइलम है इस संघ के प्राणी है दोस्तों जोंक और कैंचुआ, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अर्थ्रोपोडा की बात करूं मैं, अर्थ्रोपोडा के बारे में दोस्तों अर्थ्रोपोडा जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है पूरे एनिमल किंगडम की, पूरे एनिमल किंगडम की नहीं दोस्तों पूरे संसार की बात करूं तो पूरे संसार में इसमें दोस्तों पूरे संसार में से 83% जातियां इस संघ में निवास करती है अर्थ्रोपोडा में। लगभग दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 11 लाख जातियां इस संघ में निवास करती है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीट है, मच्छर, केकड़े, कॉकरोच, टिड्डे, तितलियां, ये सभी दोस्तों किसके उदाहरण है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सभी अर्थ्रोपोडा फाइलम के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मोलस्क का फाइलम के बारे में, मोलस्क का फाइलम दोस्तों ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, मैं लिख देता हूं जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ या फिर दोस्तों फाइलम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्टोपस, सीप और घोंगा, बात क्लियर है। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि अर्थ्रोपोडा फाइलम और जो मोलस्क का फाइलम है इस संघ के प्राणियों का दोस्तों जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है दोस्तों वो ब्लड कैसा होता है भैया, तो भैया इन सब के प्राणियों का जो ब्लड होता है वो नीला होता है।
जिस तरीके से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, उसी तरीके से दोस्तों ऑर्थोपोडा और जो मोलस्का फाइलम है इस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। तो किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, इनके ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जीव पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए समुद्री पानी में, ऑप्शन नंबर बी साधारण पानी में, ऑप्शन नंबर सी जमीन पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुद्री पानी में। दोस्तों अब मैं आपको उन फाइलम के बारे में बता देता हूं या उन संघ के बारे में बता देता हूं जो दोस्तों समुद्री पानी में रहते हैं। एक है दोस्तों हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। एक है दोस्तों टीनोफेरा और एक है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों ये तीनों जो फाइलम है, ये तीनों जो फाइलम है दोस्तों वो भैया समुद्री पानी में रहते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों कि भैया हेमिकोर्डेटा, टीनोफेरा और दोस्तों इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, ये तीनों के तीनों ही फाइलम दोस्तों कहाँ रहते हैं भैया? समुद्री पानी में रहते हैं। इस प्रकार के दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं पोरीफेरा की बात करूं, तो दोस्तों पोरीफेरा संघ के जो जीव है वो दोस्तों कहाँ कहाँ पर रहते हैं? तो दोस्तों वो साधारण पानी में रह सकते हैं, और दोस्तों समुद्री पानी में भी रहते हैं। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं निडीरिया फाइलम के बारे में बात करूं, तो दोस्तों ध्यान रखना है निडीरिया फाइलम के जो प्राणी है दोस्तों वो भैया शुद्ध पानी में रहते हैं। कैसे पानी में रहते हैं दोस्तों? शुद्ध पानी में रहते हैं। अगर दोस्तों मैं अर्थ्रोपोडा की बात करूं, मैंने आपको बताया दोस्तों अर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के प्राणी दोस्तों हवा में भी रह सकते हैं और दोस्तों वो जमीन पर भी रह सकते हैं और दोस्तों वो पानी में भी रह सकते हैं। पानी दोस्तों वो समुद्री भी हो सकता है और दोस्तों वो साधारण पानी भी हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मोलस्का की बात करूं, दोस्तों मोलस्का फाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है और दोस्तों इस संघ के जो प्राणी है, इस संघ के प्राणी दोस्तों जमीन पर भी रह सकते हैं और दोस्तों पानी पर भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों जगह पर रहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हेमिकोर्डेटा फाइलम, टीनोफेरा फाइलम और दोस्तों इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इस संघ के जो प्राणी है दोस्तों, इन तीनों के वो दोस्तों समुद्री पानी में स्थित होते हैं। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों मैं पोरीफेरा फाइलम की बात करूं, तो दोस्तों पोरीफेरा फाइलम के जो जीव है, जो प्राणी है दोस्तों, वो साधारण पानी में भी रहते हैं और दोस्तों समुद्री पानी में भी रहते हैं। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों अगर मैं निडीरिया फाइलम के बारे में बात करूं दोस्तों, तो निडीरिया फाइलम के जो प्राणी है दोस्तों वो भैया शुद्ध पानी में रहते हैं। बात क्लियर है? अब बात करूं दोस्तों अर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में, तो अर्थ्रोपोडा फाइलम के जो प्राणी है दोस्तों वो हवा पर, हवा में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और दोस्तों पानी में भी रहते हैं। वो पानी दोस्तों समुद्री भी हो सकता है और साधारण पानी भी हो सकता है। बात क्लियर है? मोलस्का फाइलम के बारे में बात करूं, तो दोस्तों मोलस्का फाइलम दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अर्थ्रोपोडा जो संघ है दोस्तों ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का संघ के जो प्राणी है दोस्तों वो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए तरह सा कमेंट कर दो। तो फिर चलिए दोस्तों अब देरी किस बात की, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है कि वह संघ कौन सा है जिसके जीवों के पैरों में ट्यूब जैसी संरचना लगी होती है जिससे वह आसानी से पानी में तैर सके। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा फाइलम, ऑप्शन नंबर बी है हेमिकोर्डेटा फाइलम, ऑप्शन नंबर सी है कोर्डेटा फाइलम और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा फाइलम। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि दोस्तों इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वो दोस्तों समुद्री पानी में रहते हैं जिसमें दोस्तों NaCl की मात्रा अधिक हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके पैरों में दोस्तों एक ट्यूब जैसी संरचना लगी होती है जिससे वह आसानी से पानी में तैर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको उस फाइलम का नाम बताना है जिसके पैरों में ट्यूब जैसी संरचना लगी हो जिससे कि वह आसानी से तैर सके। तो दोस्तों उस संघ का नाम है इकाइनोडर्मेटा फाइलम। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए इसमें अंग तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें पूर्णतः पाचन तंत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी है इस संघ के जीवों में अलग अलग लैंगिक अंग होता है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किस प्रकार? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। दोस्तों तंत्र होता है अंगों का समूह, जैसे कि दोस्तों अंग तंत्र वह होता है जैसे कि उत्सर्जन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। तंत्र क्या होता है? तंत्र होता है दोस्तों अंगों का समूह, अंगों का समूह। बात क्लियर है? अंग तंत्र, अंग तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह होता है। पहली बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसमें पूर्णतः पाचन तंत्र होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसमें जो पाचन तंत्र होता है वो दोस्तों पूर्णतः होता है। अब इसमें क्या समझाने वाली बात दोस्तों, जो पाचन में सहायक होता है वह अंग दोस्तों पाचन तंत्र होता है, यानी ऐसे अंगों का समूह है जो दोस्तों पाचन में सहायक हो वो पाचन तंत्र होता है। तो इसमें दोस्तों पाचन तंत्र भी होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इस संघ के जीवों में अलग अलग लैंगिक अंग होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों नर का जो लैंगिक अंग होगा वो अलग होगा, दोस्तों जो मादा होगी इस मादा का जो लैंगिक अंग होगा वो अलग अलग होगा। बात क्लियर है? नर अलग होगा, मादा अलग होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर होगा, इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब दोस्तों ये सभी कथन सत्य हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों कल कोई काम आ गया था उस वजह से गांव चला गया था, इस वजह से कल क्लास नहीं डाल पाया, इसलिए सॉरी। बट आपको आज के बाद रोजाना एक नई वीडियो मिलेगी और दोस्तों मैं अगर टाइम मिल पाया तो दोस्तों रोज की दो क्लास डाला करूँगा, एक में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और एक क्लास में दोस्तों हम चैप्टर वाइज MCQ करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल किसी अगली वीडियो में, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।